मैं ये जो सोनार वाला सोनार माता सलुम्बर का जो मामला चल रहा है उस मामले में अपनी तरफ से कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। मैं एक विधायक होने के नाते मैं इस सब बातों पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन पूरे आदिवासी इलाकों में जिस तरह से ये पार्टियां भ्रम फैला रही है, ये जो आदिवासी परिवार और बीटीपी के खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं, तो लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये जो सोनार माता झंडे को लेके जो विवाद हुआ है, इसको समझना है तो सबसे पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि सोनार माता का जो इतिहास है, सोनार माता मतलब एक सलुम्बर में राजा हुआ करता था सोनार भील। उसकी जो पत्नी थी, उस देवी का जो मंदिर बना हुआ है, तो जो देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो सोनार भील जो था, वो दामा समुदाय, दामा जो गोत्र है, भील समुदाय, भील समूह की जो दामा गोत्र है, उस गोत्र के लोग इस माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, इसको पूजते हैं। और पूरे आदिवासी समाज में आप सभी को ध्यान होगा, अपने जो वडिल है उनसे जानकारी लो आप, या कई लोगों को जानकारी में होगा कि अपने गोत्र की जो माता होती है वहां पर सबका अलग अलग दिन फिक्स होता है। कोई 11 पे चढ़ाता है, कोई 12 पे चढ़ाता है, कोई पूनम पे चढ़ाता है, कोई अमावस्या पे चढ़ाता है। अपना जो नेजा होता है उस नेजों का बदलते हैं। अभी जो चल रहा है झंडा, इस झंडे को समझना पड़ेगा। एक होता है झंडा, एक होता है ध्वजा और एक होता है नेजा। तो आदिवासी समाज में जो माताएं होती है, जो अपनी कुल देवी होती है, धाम खेड़े की माता होती है, वहां नेजा चढ़ता है, किसी प्रकार का झंडा नहीं चढ़ता। जो चढ़ाते हैं उसको नेजा कहते हैं। और आप सभी अपने अपने गांवों में इसके बारे में जानकारी लो कि जो नेजा चढ़ता है उस माता के मंदिर पे, कोई भी माता हो, किसी भी कुल देवी की, किसी की भी कुल देवी हो, तो वहां एक तो लाल कलर का और हरा कलर का नेजा चढ़ता है। इसके बारे में भी जो मैंने बुजुर्गों से जानकारी ली कि लाल कलर कहां चढ़ता है, हरा कलर कहां चढ़ता है, जो एक एक महिला जो होती है उसका पति पहले मरता है और महिला बाद में मरती है, तो वो एक देवी मानी जाती है, और उस देवी का जो मंदिर होता है वहां लाल नेजा चढ़ता है। और पुरुष की मृत्यु बाद में होती है, महिला पहले मरती है या कुंवारी कन्या मरती है, तो वहां हरा चढ़ाते हैं। ये आदिवासी समुदाय की एक परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज है ये। लेकिन आज ये जो मामला बन रहा है झंडे के नाम पे, पूरे आदिवासी इलाके में सारे पार्टी के लोग और विशेषकर बीजेपी का जो एजेंडा है, तो हमें जो ये समझना है कि ये मामला स्टार्ट कहां से हुआ। आज देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, मतलब देश की जो सही जानकारी है, देश में किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र में कोई अन्याय होता है, गलत होता है, उसकी आवाज उठाता है मीडिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस पत्रकार ने, जिस न्यूज चैनल ने इसकी शुरुआत की है, वो आरएसएस से प्रेरित है, बीजेपी का एजेंट है वो पत्रकार। उसको पता है कि वहां सोनार माता पे लाल झंडा पहले से चढ़ा हुआ था, और आरएसएस के लोगों ने उस लाल झंडे की जगह उनका भगवा झंडा फहरा दिया, और उस सोनार माता के जो वंशज हैं, ये जो दामा परिवार है, दामा परिवार 11 के दिन वो झंडा हर साल बदलते हैं, तो वो लाल झंडा लेके गए थे वहां अपना लाल झंडा चढ़ाने के लिए। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, वहां बीटीपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो लड़के चढ़ाने गए थे वो न तो बीटीपी के हैं और न बीटीपी के कोई पदाधिकारी हैं, वो दामा दामा गोत्र के कुल, दामा जो गोत्र है उससे थे। तो इसमें जो मेन पत्रकार जो है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, वो बीजेपी का एजेंट है। क्योंकि आदिवासी इलाके में आरएसएस आज देख लो पूरे देश में, और विशेषकर ट्राइबल जो इलाका है, एसटी एससी माइनॉरिटी, वहां जो है उनको इस तरह उनको मानसिक गुलाम बनाया जाता है। और पूरे हमारे उदयपुर संभाग में आरएसएस जो वनवासी कल्याण परिषद गायत्री के नाम से, गायत्री परिवार के नाम से जो अपनी शाखाएं चला रहा है, लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है।
तो उनको लगा कि ये बीटीपी एक जो पार्टी है हमारे लिए खतरा पैदा हो रही है, हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे का बंडा फोड़ कर रही है, इसलिए इसमें बीटीपी को इन्वॉल्व किया गया है। जो मामला हुआ है सोनार माता वाला, वो जो मामला है जो मीडिया के सामने आ रहा है, जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बोल रहे हैं, जो हमारे मेट कोटवाल हैं, जो हमारे झूठे भगत हैं, जो हमारे भगत हैं, हमारे भक्तों की जो कौम है, हमारे जो भगत हैं उन भक्तों को बदनाम कर रहे हैं कुछ भगत जो आरएसएस के एजेंट हैं, हमारे मेट कोटवाल, इस गांव में हमारी इतनी इज्जत रहती है, लेकिन कुछ गिने चुने मेट कोटवाल अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं और उनके कहने पे ये लोग आज बीटीपी पार्टी के खिलाफ, आदिवासी परिवार के खिलाफ अपना झूठा बयान दे रहे हैं। सबको पता है कि सच्चाई क्या है। अब बात होती है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो धरातल है आदिवासी इलाके में, बीजेपी देश में उसी नाम से राज कर रही है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद भारत पाकिस्तान, बीजेपी का शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और हमारे बेरोजगार जो युवा हैं उनकी नौकरियों के लेके कोई एजेंडा नहीं है, उनके लिए कभी कोई पहल नहीं की है। आज पूरे देश में प्राइवेटीकरण हो रहा है, उसके लिए कोई बोल रहा है क्या? आज नौकरियां समाप्त हो रही है, बेरोजगार पूरे रोडों पे भटक रहे हैं, पूरे देश में जो सरकारी जो संस्थाएं थी उनको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, लेकिन आज देश का जो युवा है वो समझ चुका है, और विशेषकर हमारे आदिवासी इलाके की बात करें तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम से लोगों में जहर घोल रखा है, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना, पाकिस्तान चीन का न्यूज चैनलों में दर्शा दर्शा के लोगों में अंधभक्त बनाना, तो ये बीटीपी है उनकी, ये जो खोखली उनकी नीति है, हमारे देश को खोखला करने वाली जो नीति है उस नीतियों के खिलाफ उनका भंडा फोड़ कर रही है, इसलिए उनको बीटीपी अखर रही है। सबको पता है हमारे माननीय हमारे सदन के प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने ये बयान लिखा है, उन्होंने हमारे डीजी को लेटर लिखा है कि बीटीपी ये कर रही है, झंडा उतार दी है, धार्मिक वो कर रही है, वो कर रही है। आज हम कहते हैं कि हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन पूरे आदिवासी इलाके में ये बीजेपी जबरदस्ती आरएसएस की अपनी शाखाओं में ले जाना चाह रही है, और यहाँ पर कई लोग ईसाईकरण भी कर रहे हैं। हमारा आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समुदाय है, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को जिस तरह अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया है, कई लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना दिया गया है, कई लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं कुछ न कुछ प्रलोभन देके, लेकिन आज बीजेपी को लग रहा है कि हमारा जो एजेंडा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं अंत में यही बात बताऊंगा कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना है कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आज रोडों पे क्यों आ रहे हैं, बीटीपी के खिलाफ क्यों आ रहे हैं, सोनार माता वाला जो झूठा मामला है उसको लेकर अपना चुनावी माहौल क्रिएट कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं पंचायती राज चुनाव, उस चुनावों में अपना फायदा लेने के लिए गांवों गांवों से उनके जो दलाल थे उनको रोडों पे निकाल दिया गया है, और बीटीपी के खिलाफ पूरे उदयपुर संभाग में ज्ञापन दिला रहे हैं। उनको पता है कि सोनारवाड़ा मत जो मामला है वहां आपका बीटीपी का कोई लेना देना नहीं है, और आपको जब बता रहा हूं हमने शुरुआत नहीं की थी, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो पत्रकार ने फर्स्ट में शुरुआत में जो झूठी न्यूज छापी, बीटीपी का झंडा फहराने की जो बात की, वहां पर लाल झंडा चढ़ता है सोनार माता पे, पहले से चढ़ता आ रहा है और वही लोग चढ़ा रहे थे, उसका बीटीपी का कोई लेना देना नहीं था, जबरदस्ती बीटीपी को बीच में घसीटा जा रहा है, अब उस पत्रकार के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि ये बीजेपी के लोग और कुछ कांग्रेस के लोग छोटे छोटे मुद्दे को लेके, झूठे मामले को लेके जबरदस्ती बीटीपी को अंदर डाल के ये कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि वो बौखला गए हैं, उनको एहसास हो गया है। एक कोई भी बड़ा लीडर या कोई भी संगठन अपनी झूठी बात को एरिया में फैलाता है, जनता के बीच में झूठी बात रखता है, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि वो आज तक हमको बेवकूफ बना रहे थे और आज भी वही सोच रहे हैं
कि हम जो कहेंगे वो जनता मान लेगी, जनता गुमराह हो जाएगी और हमें चुनाव में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं पूरे उदयपुर संभाग के सभी लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आप समझो, किसी भी चीज को, कोई भी बात होती है तो उसका तर्क वितर्क करो, इसका वास्तविक क्या है, सच्चाई तक जाओ, इसकी गहराई तक जाओ। क्योंकि सोनार माता वाला मामला आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां बीटीपी का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये बीजेपी के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग इसको घसीट रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आज तक हमारे लोगों को कितना बड़ा बेवकूफ बना के राज कर रहे थे। अब उनकी जो पॉलिसी थी, वो लोग जो झूठे झूठे जुमले देके हमारे एरिया में हमारे लोगों को पार्टी, उनकी पार्टी के प्रति जो जिस तरह आकर्षित कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। आपको समझना है और आपको जवाब देना है इन संगठन वालों को, इन पार्टियों वालों को आने वाले चुनाव में। आज तक हमें धर्म के नाम से, जाति के नाम से उन लोगों ने भड़काया है। हमेशा बात करते, कुछ भी बात होती है, देश में बेरोजगारी की बात होती है, बात लेके आ जाते हैं, चीन में ये कर दिया, पाकिस्तान वालों को हम ऐसे सबक सिखा देंगे, राष्ट्रवाद, हिंदुवाद, इसी बात पे ये लोग आज तक चुनाव लड़ते आए, उसी बात को लेके कर रहे हैं। बेरोजगार भटक रहा है दर दर, एक भूखा प्यासा गरीब आदमी, इसको रहने के, खाने के फापे पड़ रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को समझना है, विशेषकर उदयपुर संभाग के जो हमारे भाई बहन है, जो वडिल है, हमें गांवों गांवों में ये जागरण पैदा करना है कि ये जो झूठे झूठे मामले लेकर हमारे आदिवासी समाज को, बीटीपी को जिस तरह बदनाम कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। आपको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।